जय हिंद स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल? ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। बेसिकली वी विल स्टार्ट विद वोकैबुलरी टुडे। अभी हमने आर्टिकल्स टॉपिक ख़त्म कर लिया है और आज हम वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, वोकैबुलरी चाहे एनडीए एग्जाम हो चाहे सीडीएस एग्जाम हो, प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट टू सेक्शंस आते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के, इवन इन एनडीए एग्जाम एंड इवन इन सीडीएस एग्जाम। सो 20 क्वेश्चंस तो क्लियरली आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैप के। उसके अलावा पैसेज में भी आपको एक क्वेश्चन वोकैबुलरी का आ सकता है। देन इन सीडीएस एग्जाम यू गेट सेक्शन ऑफ वर्ड मीनिंग्स नाउ एंड आपको यू नो बोरोड वर्ड्स का सेक्शन आ रहा है, दैट इज ऑल वोकैबुलरी। सो यू कैन से दैट एटलीस्ट CDS का तो 50% ऑफ द पेपर कंप्राइजेस वोकैबुलरी एंड NDA का मोर देन 50%, बिकॉज NDA में तो 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स, idioms भी वोकैबुलरी हैं, वो भी हम आपके साथ क्लास में करेंगे। सो यू नो ग्रामर बहुत कम है, ग्रामर का सिर्फ एक ही सेक्शन रह गया है, चाहे वो एरर्स आए चाहे वो कंप्लीट द सेंटेंस आए, बाकी सारा सेक्शन ऑफ वोकैबुलरी बेस्ड हो गया है। ऑल राइट, सो व्हाट आई विल डू इज इन एवरी क्लास आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग्स विद यू, और फिर हम उनको पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से इन अ सेंटेंस विद ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, कौन सी वो ट्रिक्स हैं। जैसे एलिमिनेशन मेथड है, आप चार में से इजिली दो ऑप्शन या तीन एलिमिनेट कर सकते हैं तो यू गेट टू द आंसर, तो एलिमिनेशन मेथड हो गया। या रूट वर्ड्स भी पढ़ेंगे हम जो वर्ड्स पढ़ेंगे उन्हीं में जो रूट वर्ड होंगे वी विल ऑल्सो स्टडी दोज रूट वर्ड्स, कि रूट वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। रूट वर्ड अगर आपको पता है तो उसके मीनिंग से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन अकॉर्डिंगली आप सिनोनिम्स मार्क कर सकते हैं या एंटोनिम मार्क कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। ऑलराइट, नाउ सी टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स फर्स्ट। ऑल राइट, नाउ द फर्स्ट वर्ड इज अबॉर्टिव। अब देखिए, आई विल टेल यू द रूट वर्ड फर्स्ट। ए बी रूट वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज, कोई भी चीज़ कम होना। तो मेजरली अगर कोई वर्ड आपको एग्जाम में आता है और वो ए बी से स्टार्ट हो रहा है या उसमें ए बी रूट वर्ड है तो उसका मतलब होगा डिक्रीज या दूर चले जाना, जैसे अबॉर्टिव होता है। एब्जॉल्व, अब आप देखिए ए बी एस ओ एल वी ई, एब्जॉल्व भी ए बी रूट वर्ड है। एब्जॉल्व का मतलब किसी को रिहा कर देना, ठीक है। तो ये जनरली वर्ड्स का मतलब निकलता है डिक्रीज या ख़त्म हो जाना या टूवर्ड्स बेसिकली एंड। सो अबॉर्टिव के सिनोनिम्स मैंने आपको यहाँ दो दिए हैं, वेन है, वेन मतलब यूजलेस, अनप्रोडक्टिव का मतलब भी यही होता है, जो चीज़ फ़ायदे में नहीं है। यू कैन ऐड मोर वर्ड्स टू द लिस्ट। फ्यूटाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू कैन रिमेंबर, अबॉर्टिव का मतलब फ्यूटाइल भी होता है। अबॉर्टिव का मतलब है कोई भी चीज़ जो बिल्कुल वेस्ट है, बेकार हो है आपके लिए। जैसे आपने कुछ भी एफर्ट्स करे और मान लीजिए वो एफर्ट्स आपके कहीं काम नहीं आए, वो बिल्कुल यूजलेस साबित हुए, दैट इज़ अबॉर्टिव। ओके, सो यूजलेस भी इसका सिनोनिम है। वेस्टफुल इज सिनोनिम, बाकी अनप्रोडक्टिव वेन एंड फ्यूटाइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, यूजफुल, फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, हार्मलेस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज एधरेंट। अब देखिए वन मोर रूट वर्ड फर्स्ट, एडी। एडी का मतलब होता है जॉइन, ऐड करना, जैसे किसी में जुड़ना। अब आप देखिए मैथ्स में एडिशन होता है, स्पेलिंग क्या होती है, ADD, तो AD से स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब जॉइन होता है। तो एधरेंट का मतलब बेसिकली होता है फॉलोअर, जब आप किसी को फॉलो करते हैं, आप बिलीवर होते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई गॉड हो, कोई बिलीफ हो, कोई गुरु हो, कोई सेंट हो, आप किसी को भी मानते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन एधरेंट। फॉलोअर हो गया, डिसाइपल हो गया, एज आई सेड सपोर्टर हो सकता है, वर्शिपर हो सकता है। दीज आर अदर सिनोनिम्स दैट आई एम गिविंग यू। अदर देन दीज वर्ड्स यू कैन राइट द वर्ड पार्टिसन, बेसिकली आप उनके पार्ट हो, हिस्सा हो। तो एधरेंट में AD रूट वर्ड है जिसका मतलब है जॉइन, तो मतलब आप उनसे जुड़े हुए हो। तो एधरेंट का मतलब होता है फॉलोअर, वर्शिपर, डिसाइपल, डिवोटी भी हो सकता है, राइट। सो मेजरली वर्ड्स जिनमें AD होगा उनका यही मतलब निकलेगा। जैसे एक और वर्ड होता है एडजंक्ट, तो देखिए एडजंक्ट में भी AD है तो एडजंक का मतलब भी होता है जॉइन और एडेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश। अब एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखिए, रूट वर्ड्स
मैक्सिमम वर्ड्स में अप्लाई होता है, बट हमेशा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर आपका रूट वर्ड का मीनिंग ना निकले। अब वही एक एक्सेप्शन है एडमोनिश। अब देखिए एडमोनिश में एडी है बट इसका मतलब नहीं निकलता है जॉइन और एडेड। एडमोनिश का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को डांटना, थ्रेट करना, वॉर्न करना, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, काउंसिल है, रिप्रूव है। उसके अलावा आप इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं सेंश्योर। सेंश्योर मीन्स टू ब्लेम समवन, ओके। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम आई एम गिविंग यू बिकॉज ये पास्ट ईयर्स में भी कई बार आया हुआ है, प्लीज़ लर्न इट। द वर्ड इज रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड एडमोनिश का सिनोनिम रेप्रीमेंड। सो एडमोनिश का मतलब होता है टू थ्रेट, वॉर्न, क्रिटिसाइज समवन, ब्लेम, सेंश्योर। एंड प्लीज़ लर्न दिस वर्ड रेप्रीमेंड। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ एडमोनिश। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जब आप तारीफ कर रहे हैं, आप डांट नहीं रहे हैं, सो यू आर अप्रिशिएटिंग, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज। अबेट इज अ वेरी गुड वर्ड। अब आप देखिए इसका जो मैंने एक सिनोनिम आपको दिया है अबेट, अबेट में ए बी रूट वर्ड है, जो मैंने आपको फर्स्ट वर्ड में बताया था अबॉटिव। ए बी रूट वर्ड का मतलब कम होना, तो देखिए अबेट में यहाँ ए बी रूट वर्ड का मीनिंग निकल रहा है, रिलेट हो रहा है। अबेट का मतलब कम होना ही होता है, डिक्रीज। सो मिटिगेट मीन्स टू डिक्रीज, कम होना कोई चीज़। इसके और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे रिड्यूस हो गया, डिडक्ट, राइट। सो You can make a list on your own, students, and you know, you can make a list on your own and also share with me. Okay, आप उस list को share कर सकते हो, जैसे कोई भी word है, just think and you can make a list of synonyms and antonyms and you can share with me and I can also go through those words. तो इस तरीके से भी आप practice कर सकते हो. Then the next word is adversity. अब देखिए adversity is a very good word. एडवर्स या एडवर्सिटी का मतलब होता है नेगेटिव, विपरीत। कोई भी चीज़ जो आपके अनुसार ना हो, सिचुएशन के अनुसार ना हो, अलग होना, उल्टा होना, ओके, नॉट इन योर फेवर, बेसिकली अनफेवरेबल, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है कैटास्ट्रॉफी। इट कम्स वेरी ऑफन इन एग्जाम, कैटास्ट्रॉफी या कैटास्ट्रॉफिक आ सकता है। इसका मतलब होता है अ सडन डिजास्टर ऑन एन अटैक, मिसफॉर्च्यून। अब जैसे नेचुरल कलामिटीज़ होती है, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सो व्हाट इज़ इट, इट्स अ ट्रबल। तो इसका सिनोनिम ट्रबल हो सकता है, डेंजर हो सकता है, डिज़ास्टर हो सकता है, बेसिकली बैड लक हो सकता है, मिजरेबल हो सकता है, ठीक है। तो एडवर्सिटी इज़ अ नेगेटिव वर्ड। एडवर्सिटी का मतलब होता है कुछ नेगेटिव होना, जैसे ट्रबल, डिज़ास्टर, डेंजर दैट बीफेल ऑन समवन, मिसफॉर्च्यून, कैटास्ट्रॉफी। Please learn this word catastrophe. It's a very important synonym. Opposite iska ho jayega, jaise fortunate ho gaya, blessing ho gaya. Now the next word is hostility. Hostility again a very important word. Hostility ka matlab hota hai basically antipathy, aversion. Hostility matlab hota hai dushmani, okay, enmity. Hostility ka matlab hota hai enmity. Jab hum kisi se दुश्मनी दिखाते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। अब देखिए एंटी एक रूट वर्ड है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, तो एंटीपैथी का मतलब होता है जब हम किसी के खिलाफ होते हैं। एवर्जन का भी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जब हमारे दिल में किसी के लिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है। तो बेसिकली इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एनिमिटी, हेट्रेड, ग्रज, बेसिकली अनफ्रेंडलीनेस होना, किसी से अनफ्रेंडलीनेस होना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। अगेन अ वेरी वेरी गुड वर्ड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, बेनेवोलेंस। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड अगेन वेरी कॉमनली इट कम्स इन एग्जाम। अब देखिए इसमें एक रूट वर्ड है बेन। बेन मीन्स गुड, प्लीज़ लर्न इट। बी एन रूट वर्ड का मतलब गुड होता है और इसका ऑपोजिट होता है एम एल। एम एल का मतलब बैड होता है। तो बेनेवोलेंट का मतलब हो गया गुड, अ काइंड नेचर्ड पर्सन। तो मेजरली वर्ड्स विच बिगिंस विद बेन मीन्स गुड, दे आर पॉजिटिव वर्ड्स, जैसे बेनिवेलेंस है, बेनाइंग एक वर्ड होता है विच मीन्स काइंड। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत होना, काइंडनेस होना,
जनरोसिटी अगेन अ पर्सन हु यू नो हेल्प्स अदर्स, जो सोशलाइज करता है या जो फिलेंथ्रॉफिक है वो जनरस होते हैं. सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेनिवलेंस इज पॉजिटिव. बेनिवलेंस के सिनोनिम्स बाकी हो सकते हैं, काइंड हो सकता है, जनरस हो सकता है, मैग्नानिमस. मैग्नानिमस का मतलब यही होता है अ पर्सन हु हैज अ बिग हार्ट, जनरस पर्सन. ऑलराइट, और इसका ऑपोजिट होता है रूट वर्ड एमएल. प्लीज लर्न इट बिकॉज बेन एमएल, जैसे बेनेवेलेंट का ऑपोजिट क्या हो गया, मेलेवेलेंस. तो ये बहुत आता है एग्जाम्स में. द नेक्स्ट, यस सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आई गिवन सेम ओनली बेनेवेलेंस जो आपको अभी प्रीवियसली समझाया है. ये बेनेवेलेंस का एंटोनिम होगा क्योंकि बेन मीन्स गुड एंड एमएल मीन्स बैड. अब देखिए इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो सारे नेगेटिव वर्ड्स होंगे, जैसे अनकाइंड. अब यहाँ पर आप देखिए इनह्यूमैनिटी हो गया, बेनेवलेंस ऑपोजिट में है, एंड सैवेज. सैवेज इज अ गुड वर्ड. ओके, सैवेज मीन्स क्रूअल, अ पर्सन हु इज ब्रूटल. बेसिकली इसके सिनोनिम्स ब्रूटल हो सकता है, सॉरी क्रूअल हो सकता है. सैवेज मीन्स ब्रूटल. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, जो चीज़ आसानी से टूट जाए, एनीथिंग विच कैन बी ईजिली ब्रोकन. जैसे कोई ग्लास है, कांच की चीज़ है, तो वो आसानी से टूट जाएगी. सो इट इज़ फ्रेजाइल. बाकी सिनोनिम ब्रिटल, फ्रेल, वीक हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है. दीज कैन बी सिनोनिम्स. डेलिकेट हो सकता है, डेलिकेट इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल. ऑलराइट, ऑपोजिट्स हो जाएंगे हार्ड, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, जो चीज़ें मजबूत है, एंड्योरिंग, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज सीज. सीज का मतलब होता है स्टॉप, एंड, किसी चीज़ को कम्प्लीटली बंद कर देना. व्हेन यू कम्प्लीटली स्टॉप डूइंग एनीथिंग, दैट इज सीज. टर्मिनेट, डेजिस्ट इज अ गुड वर्ड. यू कैन राइट डाउन वन मोर वर्ड, एनुअल. एनुअल मीन्स टू एंड. सो इसके सिनोनिम्स एंड हो सकते हैं, स्टॉप हो सकता है, एनुअल हो सकता है, टर्मिनेट इज अ वेरी गुड वर्ड, एंड डेजिस्ट इज अ गुड वर्ड. ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार्ट, बिगिन, इनिशिएट, ओरिजिनेट, दीज विल बी द कमेंस, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. राइट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. अब देखिए कॉन्स्पीकुअस. कॉन्स्पीकुअस का मतलब होता है क्लियर. ओके, कोई चीज़ जब आपको क्लियर है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पीकुअस. मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं जो भी पढ़ा रही हूँ मान लीजिए आपको समझ आ रहा है, सो वट एवर आई एम टीचिंग यू इट्स कॉन्स्पीकुअस टू यू, मीन्स क्लियर है, अंडरस्टूड है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पीकुअस. इसके सिनोनिम्स प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, विविड इज़ अ वेरी गुड वर्ड. विविड मीन्स क्लियर. ट्रांसपेरेंट, ये भी इसका सिनोनिम है. एक्सप्रेसिव, दिस इज ऑल्सो अ सिनोनिम. अंडरस्टूड और अंडरस्टैंडेबल, मतलब वो चीज़ आपको समझ आ गई है तो क्लियर है, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है. अपेरेंट, अपेरेंट, विजिबल, ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉन्स्पीकुअस. ऑपोजिट हो जाएगा जब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही. मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, सो देन इट्स नॉट कॉन्स्पीकुअस यू, सो इट इज़ कन्फ्यूजिंग, डाउटफुल. तो ऑपोजिट हो गया कन्फ्यूजिंग, डाउटफुल, फॉगी, हेजी, वेग, एम्बिगुअस, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स. ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलोंग. प्रोलोंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को लंबा खींचते हैं. मतलब कोई काम आपने एक दिन में करना था, आपने हमें वो तीन दिन में करके दिया, सो अननेसेसरली यू प्रोलोंग द वर्क. आपने क्या कर दिया, उसको डिले कर दिया, पेंडिंग कर दिया. तो इसका मतलब होता है किसी भी काम को टाइम पे ना करना, डिले कर देना. डेफर एंड प्रोक्रास्टिनेट, वेरी गुड वर्ड, प्लीज लर्न दिस. प्रोक्रास्टिनेट इज अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ डेफर. तो प्रोलोंग का सिनोनिम है डिले, डेफर, प्रोकेस्टिनेट. उसके अलावा लिंगर भी होता है, लॉइटर. लिंगर मतलब किसी भी बात को अननेसेसरली खींचना, तो आप उसको डिले कर रहे हैं, अननेसेसरली ओवर द लिमिट ले जा रहे हैं, ओवरबोर्ड जा रहे हैं, एंड सेम इज लॉइटर. पेंडिंग, जैसे हम नॉर्मल वर्ड अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे वर्क इज पेंडिंग, मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ समय पे, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेफर. अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो आप कोई काम पहले कर लेंगे या टाइम पे, तो बिलेटेड, टाइमली, ऑपरच्यून, राइट. तो ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स. आई होप सब आपको समझ आ रहा है, एंड साइमल्टेनियसली यू आर ऑल्सो मेकिंग अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स.
ऑल राइट, नेक्स्ट इज डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, जब आप कोई काम अनजाने में नहीं कर रहे, पर्पसली कर रहे हैं, पूरे होश और आवाज में कॉन्शियस होके कर रहे हैं। कॉशियस इंटेंशनल मतलब जानबूझ के। अब देखिए आयन एक रूट वर्ड है, आयन का मतलब होता है अंदर, जैसे इनसाइड, तो मतलब आपको पहले से पता है आप वो काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है आपसे गलती से हो गया, आपने उसको पर्पसली करा है। और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके, पर्पसली, नोइंगली, नो मतलब जानना, तो जानबूझकर, देन पर्पसली, नोइंगली, विलिंगली। विल क्या होता है, हमारी इच्छा, तो विलिंगली मतलब इच्छा से ही करा है आपने, देन कॉशियस इज ऑलरेडी देयर, राइट। सो डेलिब्रेट इज अगेन अ वेरी वेरी गुड वर्ड। ओके, नेक्स्ट इज रैविज। रैविज होता है डिमोलिश, रुइन, तबाह कर देना किसी चीज को, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देना, कोई बिल्डिंग है उसको गिरा दिया, कोलैप्स कर दिया, दैट इज रैविज। तो रैविज का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग को गिरा दिया आपने, डिस्ट्रक्ट कर दिया, डिवास्टेट। यू कैन राइट डाउन वन मोर सिनोनिम, डिवास्टेट। डिवास्टेट बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, जब हम तबाही मचा देते हैं, बेसिकली दैट इज रैविज। सो डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्ट, रुइन हो सकता है, रुइन, डिमोलिश, ओके, रुइन इज ऑलरेडी हियर, ऑलराइट। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जब आप बना रहे हैं, आप तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, तो यू आर मेकिंग, यू आर बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, फैब्रिकेट, असेंबल, प्रोड्यूस, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज एसेंट्रिक। एसेंट्रिक होता है अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ वेरी ऑकवर्ड मैनर, जो अजीब सी हरकतें करता है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं करता, मे बी उसका उठने बैठने का तरीका, रेडी होने का, कपड़े पहनने का या बात करने का तरीका बहुत वियर्ड है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, स्ट्रेंज है वो पर्सन, सच पर्सन कैन बी कॉल्ड एन एसेंट्रिक। देखिए इसके सिनोनिम स्ट्रेंज, अजीब सा, एबनॉर्मल। देखिए एबनॉर्मल में ए बी रूट वर्ड अप्लाई हो गया, मीन्स नॉर्मल सी उसमें कम है। और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके, इनसेन हो गया, राइट। इनसेन मीन्स अगेन सैनिटी होता है, जैसे जब आप अपने होश में होते हैं, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल माइंडेड हो आप, तो इनसेन हो गया ऑपोजिट, जब आप नॉर्मल माइंडेड नहीं हो। अदरवाइज इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वियर्ड, स्ट्रेंज, बिजार। वियर्ड, स्ट्रेंज एंड बिजार कैन बी सिनोनिम्स। इन सब का मतलब होता है अजीब सा, एक नॉर्मल बिहेवियर या एक नॉर्मल पैटर्न पे नहीं रहना, दूसरों से अलग होना, इन अ वेरी वेरी यू नो डिफरेंट मैनर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ये भी पहले एनडीए में आया हुआ है। ऑल राइट, नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर यू, जो बेसिकली जिसमें मैं आपको बताऊंगी ट्रिक्स के एलिमिनेशन मेथड या यही रूट वर्ड्स आप कैसे अप्लाई करके एटलीस्ट अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट या नियरेस्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए पहला है अबंडेंट। अब देखिए अबंडेंट वर्ड में, लेट मी टेल यू, आई हैव गिवन यू दिस वर्ड पर्पसली, क्योंकि अभी हमने ए बी रूट वर्ड करा है, बट अबंडेंट में ए बी रूट वर्ड अप्लाई नहीं होता। ए बी का मतलब होता है कम होना और अबंडेंट का मतलब होता है एक्सेसिव। अबंडेंट का मतलब होता है अत्यधिक। अब आपको मार्क करना है सिनोनिम। आप सेंटेंस पढ़िए, अबंडेंट फूड वॉज अवेलेबल फॉर द सोल्जर्स इन द मेस, मतलब बहुत ज़्यादा खाना अवेलेबल था, तो आपका आंसर भी यही होना चाहिए, यू नो बहुत ज़्यादा। तो अब आप ऑप्शन देखिए, लिटिल मतलब कम, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। डिलिशियस, खाना टेस्टी या बेस्वाद है उसकी बात नहीं हो रही है, तो डिलिशियस इज़ एन इररेलेवेंट ऑप्शन, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचे आप पे दो ऑप्शंस, प्लेंटीफुल या होलसम। देखिए प्लेंटी मतलब अत्यधिक, एक मात्रा से ज़्यादा, होलसम का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स हो जिसमें, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली हेल्दी फूड, राइट। तो इसका क्वांटिटी से मतलब नहीं होता, होल मतलब होता तो है पूरा, बट होलसम होता है फूड विच इज़ हेल्दी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड ऑल। सो करेक्ट आंसर वुड बी यस, प्लेंटीफुल इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें सिनोनिम मार्क करना है। अबंडेंट मतलब एक्सेसिव, तो सिनोनिम इज प्लेंटीफुल। तो अब आप देख सकते हैं हमने चार में से दो ऑप्शंस कितनी आसानी से एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट इज ही इज बायस्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सिटीज। अब देखिए बी वाई एक रूट वर्ड है, बी वाई का मतलब होता है टू, बी वाई रूट वर्ड का मतलब होता है दो, तो बायस्ड का क्या मतलब निकला, भेदभाव करना। अब सिनोनिम भी ऐसा ही होना चाहिए। अब आप देखिए इम्पार्शियल डेल्टा ऑप्शन दिया गया है, पार्शियल मतलब भेदभाव करना, इम्पार्शियल मतलब भेदभाव नहीं करना,
तो ये तो हो गया एलिमिनेट। अब आता है लाइक्ड, सी ऑप्शन, लाइक या अनलाइक या यू नो डिसलाइक की कोई बात ही नहीं हो रही है इसमें, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आप पे बचते हैं दो ऑप्शंस, प्रेजुडाइज्ड या ओपन, राइट। ओपन, ओपन माइंडेड पीपल होते हैं हु आर रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एनीवन, जनरली वो पार्शियलिटी नहीं करते। अब प्रेजुडाइज्ड में देखिए, जैसे जॉन्डाइज्ड वर्ड होता है, आप फंसे हुए हो, यू आर स्टक, सिमिलरली आप रिलेट कर सकते हो, यस, बायस्ड का सिनोनिम है प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है जब आप बायस्ड हो, आप भेदभाव करते हो, आप पार्शियलिटी करते हो लोगों में या चीजों में, सो इट मीन्स टू बी पार्शियल। नेक्स्ट इज नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। अब ब्रेव का मतलब तो आई थिंक सबको पता है, बहादुर। अब आपको सिनोनिम मार्क करना है, अब अगर कोई नेगेटिव वर्ड है या ऑपोजिट है इसका तो उसको एलिमिनेट करते हैं पहले। अगली ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड है, एलिमिनेट करो। जेलस नेगेटिव वर्ड है, एलिमिनेट करो। अब आप पे दो ऑप्शंस बचे हैं, कावर्ड या वीक। देखिए वीक पर्सन तो मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव पर्सन है तो आप कहते हो ही इज इमोशनली वीक। तो वीक का मतलब ये नहीं है कि वो डरपोक है या यू नो वट एवर इट इज। ब्रेव का सॉरी आपने यहाँ सिनोनिम नहीं मार्क करना, आई एम सॉरी, आपने क्या मार्क करना है, एंटोनिम। इफ यू लुक एट द इंस्ट्रक्शन यू हैव टू मार्क द एंटोनिम। ब्रेव इज बहादुर एंड कावर्ड इज डरपोक। तो इसका करेक्ट आंसर है कावर्ड। वीक नेगेटिव वर्ड है बट वो एग्जैक्टली रिलेट नहीं हो रहा है, दैट कैन बी द नियरेस्ट आंसर बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज कावर्ड। तो देखिए हमने सिनोनिम्स के भी क्वेश्चंस करे हैं डिस्कस और हमने एंटोनिम्स के भी करे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, सोहन इज अ वेन पर्सन। अभी वेन वर्ड मैंने आपको बताया था, जस्ट रिकॉल कौन से वर्ड के मीनिंग में बताया था, आई एम गिविंग यू 30 seconds टू थिंक। अभी हमने यहाँ पर एक वर्ड आज डिस्कस करा है जिसका सिनोनिम मैंने आपको वेन बताया है। यस द वर्ड इज अबॉर्टिव, ए बी, कम होना, यूजलेस, वेस्ट। अबॉर्टिव का सिनोनिम मैंने आपको वेन बताया है। अब हमें मार्क करना है ऑपोजिट, एंटोनिम। तो जब वेन का मतलब है यूजलेस तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए, यूजफुल। तो मतलब आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है लिस्ट में से। अब देखिए एरोगेंट नेगेटिव वर्ड है, एलिमिनेट। प्राउड नेगेटिव वर्ड है, एलिमिनेट। कंसीट नेगेटिव वर्ड होता है, कंसीट मतलब प्राउड होता है, सो यू आर लेफ्ट विद वन एंटोनिम दैट इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब हम्बल, तो व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी घमंड नहीं है, अ वेरी सबमिसिव डाउन टू अर्थ पर्सन। एंड वेन पर्सन होता है यूजलेस, जो घमंड से भरा हुआ हो, बहुत शो ऑफ करता हो, ओके, जिसके साथ यू पर्सन यू जस्ट कैन नॉट टॉलरेट, सच अ पर्सन इज अ वेन पर्सन। ऑल राइट, कंसीट मे बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, कंसीट ऑल्सो मीन्स प्राउड, घमंड। नेक्स्ट इज द होल थिंग वॉज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। अगेन अब इसमें आपको देखिए इंस्ट्रक्शन, सिनोनिम मार्क करना है। फ्यूटाइल का मतलब मैंने आपको बताया था, अभी हमने ये वर्ड करा है फ्यूटाइल। अबॉर्टिव का सिनोनिम है यूजलेस। सिनोनिम मार्क करना है वही होना चाहिए, कॉस्टली या नॉन एक्सपेंसिव है उससे कोई मतलब नहीं है। इनडिसाइसिव मतलब जो डिसीजन नहीं ले सकते उससे भी कोई मतलब नहीं है। सक्सेसफुल तो इसका ऑपोजिट हो सकता है, फ्यूटाइल नेगेटिव वर्ड है, येस। इसका करेक्ट आंसर इज पॉइंटलेस। फ्यूटाइल मतलब बेकार की एक्सरसाइज, फ्यूटाइल एक्सरसाइज मीन्स यूजलेस, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। अब अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जो आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ सिलेबस है, वी कैन से इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, यूजलेस। सो सिमिलरली पॉइंटलेस, LESS एक सफिक्स है, LESS का मतलब माइनस, कम होना, तो मतलब पॉइंटलेस, बिल्कुल बेकार की बात। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। Now you have to mark synonym again. This decision is crucial. Crucial होता है जैसे serious. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये decision आपके लिए serious है, मतलब बहुत important है. This decision is important for you. अब देखिए अगर आप words देखें, momentous, natural, primitive और inept, चारों different words हैं. अब कोई चीज़ आपके लिए बहुत important है, मे बी अ life saving decision, आपकी ज़िंदगी को जो बचा सकता है ऐसा निर्णय है, तो उसमें natural का तो कोई point नहीं है, तो ये eliminate हो गया. Inept, आयन रूट वर्ड क्या करता है, किसी भी वर्ड के मीनिंग को नेगेटिव बनाता है, जैसे एक्टिव का इनएक्टिव होता है अपोजिट, तो सिमिलरली अडेप्ट का इनएप्ट। इनएप्ट मीन्स अ पर्सन हु इज बेसिकली नॉट स्किलफुल, तो ये भी रिलेट नहीं होता। प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, प्राचीन, जो पुराने समय का है, एंशिएंट, तो ये भी रिलेट नहीं होता। यस द मीनिंग ऑफ क्रूशियल इज मोमेंटस, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन,
मोमेंटस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, एनीथिंग विच कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोमेंटस. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड, ही नॉटेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग. एबसेंट, जैसे बच्चे क्लास में नहीं आते वो एबसेंट है, ऑपोजिट क्या होगा? प्रेजेंट. ये तो बहुत सिंपल है, केपेबल से इसका कोई रिलेट नहीं कर सकते, ड्रीमली से नहीं कर सकते, एजिटेटेडली से नहीं कर सकते. अलर्टली मीन्स प्रेजेंट, आप वहाँ पे अवेलेबल हो, आप वहाँ पर मौजूद हो. देन नेक्स्ट वर्ड, नाउ यू हैव टू मार्क द एंटोनिम. एंटोनिम ऑपोजिट मार्क करना है आपने. Scientists are concerned whether the oceans and land biosphere will take up as much carbon in the future as they presently do. Concern मतलब किसी चीज़ के लिए worried होना कि ऐसा होगा या नहीं होगा, चिंता करना. Antonym mark करना है. Antonym क्या होना चाहिए? बिल्कुल carefree रहना, किसी चीज़ की परवाह नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई चिंता नहीं करना. अब देखिए, worried तो इसका synonym है eliminate. Curious मतलब जानने की उत्सुकता होना, तो आप तो चिंता कर रहे हो, आप तो सोच रहे हो, eliminate. ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, इनडिफरेंट या पजल्ड. पजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूजिंग. इसमें कंफ्यूज या नॉन कंफ्यूज की बात ही नहीं है, आप उस बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तो व्हाई विल यू बी इवन कंफ्यूज्ड. सो यस, कंसर्न का ऑपोजिट हो गया इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब होता है अनकंसर्न्ड. जब हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, वी एक्चुअली आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, वी आर नॉट ईगर टू नो एनीथिंग, वी आर नॉट एंशियस, वी हैव नो टेंशन, वी आर जस्ट involved in our own life. That is the meaning of indifferent. Next is, he is a maleficent person. आप देखिए, ML root word है, bad synonym mark करना है, तो इसका जो भी synonym होना चाहिए वो negative होगा. अब आपके पास बचे दो options. एक देखिए, generous eliminate कर देंगे, generous positive word है, it can not be the synonym. Friendly eliminate कर देंगे, it is a positive word, it can not be the synonym. अब आप पे दो एंटोनिम्स, सॉरी दो सिनोनिम्स बचते हैं जो नेगेटिव है, कनिंग या क्रिमिनल. अब देखिए, थोड़े सिमिलर हैं, इट मे बी कंफ्यूजिंग. ML रूट वर्ड रिलेट करता है, यू नो, इट रिलेट्स टू अ पर्सन हु इज रियली ब्रूटल, क्रूअल, मर्सीलेस, मतलब जो किसी को मर्डर भी कर दे, यू नो, डज रियली हीडियस क्राइम ऑल्सो, फिर भी उसको बिल्कुल पछतावा ना हो, रिमोर्सलेस पर्सन. ओके, जिसको बिल्कुल किसी पे दया ना आती हो, सच पर्सन इज कॉल्ड मेलिफिसेंट. तो इसलिए कनिंग से बेटर ऑप्शन है क्रिमिनल. तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिमिनल, बिकॉज कनिंग पर्सन क्या होता है, थोड़ा तेज है, चलाक है, ओवर स्मार्ट है, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी को किडनैप कर देगा, किसी का मर्डर कर देगा, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहा है. बट मेलिफिसेंट कैन एक्ट पर्सन कैन बी अ ब्रूटल पर्सन. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है चार्ली, क्रिमिनल. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ही इज ऑलवेज ऑब्ड्यूरेट इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स अदर पीपल. ओके, अब आप देखिए, आपके पास फोर ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल, कैलस, इनसेंसिबल एंड ऑब नॉक्शियस. एलिमिनेट आप ऑप्शन टू ऑप्शन भी कर सकते हैं. कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपको यहाँ ऑब्ड्यूरेट का मतलब नहीं पता, तो आप ऑप्शन टू ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आप ऑप्शन में देखिए, फ्लेक्सिबल एक पॉजिटिव वर्ड है, फ्लेक्सिबल मतलब आप एडजस्ट करते हैं. एंटोनिम्स मार्क करने हैं आपको, राइट. कैलस, कैलस बिहेवियर होता है रूड, रफ, नेगेटिव वर्ड है. ठीक है, इनसेंसिबल आयन लगा हुआ है. सेंसिबल मतलब जो पर्सन सोच समझ के काम करता है, थोड़ा अपना ब्रेन यूज करता है. इनसेंसिबल जो बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं करता, अगेन नेगेटिव वर्ड है. ऑब्नॉक्शियस, ओबी ओबी रूट वर्ड देखिए, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ओबी ओबी. ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है अगेन हीडियस, हीनियस, अ पर्सन हु इज वेरी ब्रूटल. तो ये भी नेगेटिव वर्ड है. तो हमारे पास तीन नेगेटिव वर्ड्स है, तो हमने नेगेटिव टू नेगेटिव वर्ड्स एलिमिनेट कर दिए. हमारे पास एक ही वर्ड बचा, दैट इज द ऑड वन आउट, flexible. So you are not left with any other option. So flexible has to be the correct antonym, right? So obdurate means very very rigid, rude, stubborn. Negative word है. Opposite is flexible, जो सबकी बात माने, सबकी बात सुने, सबके साथ adjust करके रहे. So students, this was a list of important words I have discussed with you today. Plus, I have also discussed some questions with you. I have actually showed you कि exams में किस तरीके से antonyms और synonyms आपको दिए जाते हैं और उनको क्या क्या पैटर्न है अटेम्प्ट करने का, बिकॉज हो सकता है आपको सब वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो या ऑप्शंस का मीनिंग ना पता हो. तो रूट वर्ड्स या वर्ड को ब्रेक करके कोई वर्ड का मतलब निकल जाए या ऑप्शन टू ऑप्शन एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं. सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. सो आई विल बी टेकिंग वन मोर सेशन ऑफ वोकैबुलरी. ओके, एज आई टोल्ड यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि हम ग्रामर के साथ दो दिन वोकैबुलरी के रखेंगे ही रखेंगे.
ऑल राइट। सो प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, थिंक ऑफ गुड मोर वर्ड्स, ओके। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू। जय हिंद, टेक केयर।